एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। 3 वर्ष 4 रहमान की आयु, वर्षों में का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो हम इसमें जो रहमान की आयु है वो पहले हम एक्स मान लेंगे। अगर रहमान की वर्तमान आयु एक्स है तो 3 वर्ष पूर्व उसकी आयु क्या होगी, एक्स में से जो उसकी वर्तमान आयु है उसमें से हम 3 माइनस कर देंगे तो उसकी 3 वर्ष पूर्व की आयु हमें पता लग जाएगी। इसी तरह हम जो 5 वर्ष पश्चात की आयु है उसमें हम एक्स में वर्तमान आयु में 5 प्लस कर देंगे तो हमें 5 वर्ष पश्चात की आयु मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। माना रहमान की वर्तमान आयु एक्स वर्ष, 3 वर्ष पूर्व पहले की अगर हमें निकालनी होती है तो हम जो वर्तमान आयु है उसमें से माइनस कर देते हैं और यहाँ पर 5 वर्ष पश्चात की यानी बाद की दी हुई है तो रहमान की आयु क्या हो जाएगी, वर्तमान आयु में हम 5 प्लस कर देंगे तो हमें 5 वर्ष बाद की आयु मिल जाएगी। अब यहाँ पर इनका व्युत्क्रम दिया हुआ था, 3 वर्ष पूर्व का व्युत्क्रम और 5 वर्ष बाद का व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम क्या होता है, अगर उसकी 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु एक्स माइनस 3 है तो हम लिखेंगे 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम हो जाएगा। अगर एक्स माइनस 3 है तो ये 1 के डिवाइड में चला जाएगा, इसका उल्टा 1/(x-3) 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु का व्युत्क्रम होगा 1/(x+5)। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 3 वर्ष पूर्व आयु का व्युत्क्रम और 5 वर्ष बाद आयु का व्युत्क्रम का योग यानी प्लस करने के बाद क्या आएगा, 1/3 प्रश्नानुसार यानी जैसे प्रश्न में बोला गया है उसके अनुसार क्या होगा, 1/(x-3) प्लस 1/(x+5) इज इक्वल टू क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/3। अब इसे सोल्व करेंगे। अब ये सोल्व करना आपको आता होगा, नहीं आता तो देखिए इसकी हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी इस 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम ही आएगा और इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तब आगे सोल्व होगा। ये इसकी 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x+5 प्लस इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x, यहाँ पे साइन का ध्यान रखेंगे, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस तो माइनस का 3 आएगा, डिवाइड बाय इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई होगी x-3 ब्रैकेट x+5 इज इक्वल टू 1/3। अब यहाँ पर ये प्लस का x है, ये प्लस का x है तो 2x हो जाएंगे, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस साइन आएगा प्लस का क्योंकि 5 यहाँ पे बड़ा है, 2/ x की x में मल्टीप्लाई होगी तो x² माइनस 3 की x में होगी तो -3x। अब इसकी मल्टीप्लाई भी कर दी है हमने, इसकी भी कर दी है इसमें, अब x की 5 में करेंगे तो +5x और -3 की 5 में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस का आएगा, 3 × 5 = 15 इज इक्वल टू 1/3। अब यहाँ पर ये -3x है, यहाँ पे +5x है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे लेकिन साइन प्लस का आएगा क्योंकि यहाँ पर 5 बड़ा है 3 से, तो 2x+2/(x²) प्लस का आएगा 2x-15 इज इक्वल टू 1/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी 1 में करेंगे तो सेम ही आ जाएगा और 3 की इसमें करेंगे तो लिखेंगे, पहले इसकी 1 में करते हैं तो x² + 2x-15 इज इक्वल टू या इसकी इसमें होगी 3 × 6x + 3 × 6, 3 × 2 यहाँ पे 6 आ जाएगा। सबको एक साइड ला के सोल्व करेंगे, हमें इज इक्वल टू में सिर्फ 0 रखना है, x² + 2x-15 एज इट इज़, ये प्लस में है इधर आके माइनस में हो जाएगा, ये भी प्लस में है इधर माइनस में हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये +2x है, यहाँ पर -6x है, प्लस माइनस माइनस होंगे और साइन भी माइनस का आएगा, 6 में से 2 माइनस होके माइनस का 4x भी माइनस का है और माइनस का ही 6 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लेकिन साइन माइनस का आएगा, 21 इज इक्वल टू 0। अब इसके हमें गुणनखंड करने हैं, वो हम पहले भी देख चुके हैं, 2 नंबर ऐसे जिन्हें मल्टीप्लाई करके 21 आ जाएगा, 3 और 7 हो जाएंगे, 3 × 7 = 21 और माइनस करके 4 आ जाएगा, 7 में से 3 जाएंगे तो 4 आ जाएगा, दोनों के निशान डिफरेंट होंगे और बड़े वाले का साइन माइनस होगा,
एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस 21 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में x माइनस सेवन, यहाँ प्लस थ्री कॉमन आ जाएगा, x माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो। एक ब्रैकेट में सेम हम x माइनस सेम सेवन, अगर ये ब्रैकेट सेम आता है तो हम सही कर रहे हैं, अदरवाइज़ हम गलत हैं। और दूसरे ब्रैकेट में हम x प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी, x इज इक्वल टू सेवन, और यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी, x इज इक्वल टू माइनस थ्री। अब क्योंकि उसकी आयु पूछा गया था तो एज कभी माइनस में तो नहीं होती, तो ये वाली x की वैल्यू गलत है। हम लिखेंगे रहमान की वर्तमान आयु बराबर 7 वर्ष। अब क्योंकि हमसे सिर्फ वर्तमान आयु पूछा था इसलिए हमने सिर्फ वर्तमान बताई है, अगर हमसे 3 वर्ष पूर्व की पूछते तो हम इसमें से 3 माइनस कर देते। सेम एज अगर हमसे 5 वर्ष बाद की पूछते तो हम 5 इसमें ऐड कर देते, लेकिन हमें सिर्फ वर्तमान बतानी है तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 7। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता, उसके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बस फर्स्ट लाइन पढ़िए, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। तो अगर हम उसके एक सब्जेक्ट में या तो गणित में या फिर अंग्रेजी में किसी को हम x मान लेंगे तो दूसरे सब्जेक्ट में कितने मार्क्स होंगे उसके, टोटल दिया हुआ है 30। अगर हमें किसी सब्जेक्ट का टोटल पता है कि हमें 2 टेस्ट देने के बाद 10 मार्क्स मिले हैं और एक सब्जेक्ट जिसे हम x बोल रहे हैं हम किसी तरह उसे पता लगा लेंगे 8, तो दूसरे सब्जेक्ट के अंक हमें ऑटोमेटिक पता लग जाएंगे, 10 में से 8 माइनस करके 2 होंगे वो, तो टोटल में से हम एक सब्जेक्ट कम को माइनस करेंगे तो दूसरे सब्जेक्ट क्या था हमारा, टोटल में से माइनस जो हमें अंक पता है। इसी तरह हमें यहाँ पर ये वाले अंक नहीं पता तो हम इसे एक्स ही मानेंगे। अगर टोटल हमें 30 दिया हुआ है तो दूसरे सब्जेक्ट के अंक 30 माइनस जो हमने माने हैं, एक सब्जेक्ट में हमने एक्स मान लिए तो 30 माइनस एक्स हो जाएंगे दूसरे टेस्ट के अंक। तो यहाँ पर मैंने लिखा है गणित तथा अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग, जो हमें टोटल दिया हुआ है वो क्वेश्चन में 30 दिया हुआ है, माना शेफाली ने गणित में एक्स अंक, हमने गणित में एक्स माना है, आप अंग्रेजी में भी मान सकते हैं, अंक प्राप्त किए, तब अंग्रेजी में प्राप्त अंक क्या होगा, जो टोटल हमें 30 दिया हुआ है उसमें से माइनस कर देंगे मैथ के मार्क्स यानी एक्स माइनस कर देंगे, तो इतने मार्क्स उसे इंग्लिश में मिलेंगे। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन दोनों का यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिलते, तो अगर गणित में अधिक अंक मिलेंगे तो वो अंक क्या होंगे, यदि गणित में 2 अंक अधिक मिलने अधिक मिलते लिखेंगे तब गणित में अंक बराबर क्या होगा, पहले उसे कितने मिले हैं एक्स अंक प्राप्त किए, उसने कहा है 2 अंक अधिक तो हम 2 प्लस कर देंगे। सेम एज अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, यदि अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले तब अंग्रेजी के अंक पहले उसे कितने थे 30 माइनस एक्स इतने उसे इंग्लिश में मिले थे। अब 3 अंक वहाँ पे हमें अधिक करने के लिए बोला गया है तो हम प्लस करेंगे, यहाँ पर कम बोला है तो माइनस 3 कर देंगे, इज इक्वल टू 30 में से 3 माइनस होगा तो 27 आ जाएगा, 27 माइनस एक्स। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यदि उसे 2 अंक अधिक गणित में मिलते और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते तो अंकों का गुणनफल यानी गुणा करके क्या आना चाहिए उन्हें, 210 होता, तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का गुणनफल क्या आएगा, एक्स प्लस 2 का यहाँ पर जो गणित के अंक है और इंग्लिश में जो मिले हैं 27 माइनस एक्स, इन्हें मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 210। दोनों विषय में प्राप्त अंक बताने हैं तो इसे सोल्व करेंगे, पहले x की 27 में करेंगे तो 27x, x की x में करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस है, फिर 2 की 27 में करेंगे तो 54,
और टू की एक्स में करेंगे तो माइनस टू एक्स, यहाँ पर 27x है और यहाँ पर 2x है, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे 25x आ जाएगा, साइन प्लस का होगा क्योंकि 27 यहाँ पे बड़ा है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54, इसे हम अभी उस साइड ही रखेंगे। यहाँ पर देखिए ये माइनस एक्स स्क्वायर है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म को हम माइनस में नहीं रखते, उसे माइनस वन से मल्टीप्लाई करके हम प्लस का बना लेते हैं, तो ये 25x माइनस का हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर यहाँ पर अंदर जब माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, ये इधर प्लस का है ये भी माइनस का हो जाएगा, हम दोनों साइड इजिकल टू के इधर भी और इधर भी दोनों साइड माइनस वन से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें लिखेंगे एक्स स्क्वायर सबसे पहले माइनस 25x माइनस 54 इजिकल टू माइनस 210, एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 54, ये उधर माइनस का है इधर प्लस 210 इजिकल टू 0, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, साइन किसका आएगा प्लस का, इसे इसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 156 प्लस में, क्योंकि प्लस की संख्या यहाँ पे बड़ी है, 156 इज इक्वल टू 0। अब दो ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके 156 आ जाएगा और प्लस करके 25 आ जाएगा, तो वो हैं 12 और 13। यहाँ पे प्लस है तो दोनों के साइन सेम होंगे, और दोनों के साइन कौन से होंगे जो बीच वाली संख्या के पास है, माइनस माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 12, यहाँ से माइनस 13 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, जो ब्रैकेट सेम है एक बार उसे लिख देंगे, और x माइनस 13, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 12, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी टू 13। यहाँ पर x की दोनों ही वैल्यू सही हैं, अगर उसे गणित में 12 अंक मिले हैं तो इंग्लिश में मिलेंगे 30 में से 12 माइनस कर देंगे, और यदि गणित में उसे 13 मार्क्स मिले हैं तो हम इंग्लिश में 30 माइनस 13 कर देंगे, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ गणित में 12 अंक मिले तो अंग्रेजी में अंक होंगे 18, और गणित में 13 अंक मिले तो अंग्रेजी में अंक होंगे 30 में से जो 13 माइनस किया 17, तो इसके दोनों आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है, जो हम पाइथागोरस पर में 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं वही उसी पे बेस्ड है। 6th क्वेश्चन, यहाँ पे डायग्राम मैंने बना दिया है 6th क्वेश्चन का, उसमें क्या दिया गया है, विकर्ण उसकी आयत की छोटी भुजा से, छोटी भुजा को हमने x मान लिया है, विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर लंबा है, तो यहाँ पर हम x में 60 प्लस कर देंगे तो विकर्ण की लंबाई मिल जाएगी, और बड़ी भुजा जो है आयत की वो छोटी भुजा से 30 मीटर लंबी है, जो क्वेश्चन में हमें दिया गया है तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये क्वेश्चन ये डायग्राम बना लिया है। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय का हम यूज़ करेंगे, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, वो इसमें यहाँ पर अप्लाई करेंगे, यहाँ पर मैंने लिख दिया है पी क्यू या क्यू पी भी बोल सकते हैं आप, एक्स प्लस 30 मीटर है, आर क्यू या क्यू आर भी बोल सकते हैं एक्स मीटर, और पी आर जो विकर्ण है डायगनल वो एक्स प्लस 60 है, तो कर्ण कर्ण क्या है इसमें पी आर का स्क्वायर बराबर होगा लंब, लंब इसमें है एक्स जो दिया हुआ है आर क्यू का स्क्वायर प्लस आधार, आधार क्या है इसमें पी क्यू के स्क्वायर के, इसकी वैल्यू लिखेंगे, पी आर की वैल्यू है एक्स प्लस 60 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यू दिया हुआ है एक्स का स्क्वायर प्लस पी क्यू दिया हुआ है एक्स प्लस 30 का स्क्वायर, यहाँ पर एक्स का स्क्वायर एक्स जो हम 8th 9th और 10th में भी पढ़ी रहे हैं ए प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला वो यहाँ पे लग जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए ये है और बी ये है, तो 120x प्लस बी स्क्वायर, 6 6 36 और 10 यहाँ पे है 00 आ जाएगी इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही रहेगा, यहाँ पे भी ए प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab 60x प्लस 3 3 9 और 00, एक एक्स स्क्वायर यहाँ पे है और एक एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 60x प्लस
900। अब इस सबको हम एक साइड ला के सोल्व करेंगे। जो प्लस में है वो इधर माइनस में आ जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस में। वैसे यहाँ पर सब प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा। एक्स इस यहाँ पर ये प्लस का है, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, साइन माइनस का आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस अब 120x यहाँ पे है और 60x यहाँ पे है, प्लस माइनस माइनस होंगे तो साइन यहाँ पे माइनस का आएगा। माइनस नहीं, 120x यहाँ पे बड़ा है तो प्लस का आएगा साइन। 60x यहाँ पे ये प्लस का है, ये माइनस का है तो ये माइनस हो जाएंगे, साइन प्लस का आएगा। 2700 इज इक्वल टू 0। अब मैंने पहले भी बोला था एक्स स्क्वायर वाली टर्म को माइनस में नहीं रखेंगे, तो इसे माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700। दो नंबर ऐसे फाइंड करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करके 27 आ जाएगा और माइनस करके 60 आ जाएगा। तो देखिए 0 आ रही है इसलिए नंबर बड़े हो गए, वरना आप इजीली सोच सकते हैं 9 3 27 होता है और 99 में से 3 जाते हैं तो 6 बचता है, बस फिर हम 0 लगा देंगे। तो एक्स स्क्वायर इज साइन माइनस का है तो दोनों के साइन क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। बड़े वाले का साइन माइनस होगा 90x प्लस 30x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 90, यहाँ प्लस 30 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। जो ब्रैकेट सेम है एक बार उसे लिखेंगे, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 30, तो x की एक वैल्यू मिलेगी 90 और एक मिलेगी माइनस 30। अब क्योंकि जो लंबाई होती है, हमसे लंबाई पूछी है छोटी भुजा की, खेत की सभी भुजा पूछी है, तो वो माइनस में तो नहीं होंगी, इसलिए हम ये जो माइनस का 30 आ जाएगा ये नहीं होगी, इसकी वैल्यू 90 हो जाएगी। खेत की छोटी भुजा जिसे हमने x माना था स्टार्टिंग में, की लंबाई क्या आ जाएगी 90 मीटर। बड़ी भुजा खेत की, बड़ी भुजा जो क्या थी, x प्लस 30 थी, की लंबाई बराबर 90 प्लस 30 120 मीटर। क्योंकि सिर्फ भुजा की लंबाई पूछा था इसलिए विकर्ण की लंबाई नहीं लिखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 90 मीटर और 120 मीटर। सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें छोटी संख्या और बड़ी संख्या पहले मान लेंगे, छोटी संख्या x है और बड़ी संख्या y है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, दोनों के वर्गों का अंतर, दोनों का वर्ग करेंगे, बड़ी वाली संख्या का वर्ग ज़्यादा होगा इसलिए बड़ी के वर्ग में से छोटी का वर्ग माइनस करके आएगा। क्या दिया हुआ है, 180। नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे तो छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग यानी एक्स स्क्वायर बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो प्रश्नानुसार जो छोटी संख्या है, जो हमने एक्स मानी है, उसका वर्ग बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या यहाँ पे वाई है, उसका 8 गुना है। तो इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y। अब इसे हम यहाँ पे पुट करेंगे, इसे सेकंड बोल रहे हैं और इसे 1 बोल देते हैं। तो सेकंड से एक्स स्क्वायर का मान 1 में रखने पर इक्वेशन, एक्स स्क्वायर क्या है, वाई स्क्वायर माइनस 8y इज इक्वल टू 180। अब इसे बराबर के इस साइड ले आएंगे, वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 180 इज इक्वल टू 0। अब दो नंबर ऐसे फाइंड करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करके 180 आएगा और माइनस करके 8y आएगा। तो 18 और 10 जो 180 हो जाएगा और 18 में से हम 10 माइनस करेंगे तो 8y आ जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो दोनों के साइन डिफरेंट होंगे, वाई स्क्वायर माइनस 18y प्लस 10y माइनस 180 इज इक्वल टू 0। यहाँ से वाई कॉमन आ जाएगा, वाई माइनस 18 ब्रैकेट में प्लस यहाँ से 10 कॉमन आ जाएगा, वाई माइनस 18 इस ब्रैकेट में, यहाँ से y माइनस 18 जो दोनों ब्रैकेट में सेम है एक बार लिखेंगे,
और यहाँ वाई प्लस टेन इज इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ वाई की वैल्यू आ जाएगी 18 और यहाँ से वाई की वैल्यू आ जाएगी माइनस टेन। अब क्योंकि हमें क्वेश्चन में वर्ग दिया हुआ था तो वर्ग जो होता है वो स्क्वायर हमेशा प्लस में होता है, इसलिए माइनस वाला आंसर हम नहीं लेंगे। तो छोटी संख्या जो हमने x मानी थी उसका स्क्वायर इज इक्वल टू बड़ी संख्या का 8 गुना था 8 × 18, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ये अंडर रूट में चला जाएगा जो बराबर होता है 12 के, प्लस और माइनस दोनों। इक्वेशन नंबर 1 में जो हमें x की वैल्यू मिली है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, माइनस का 12 भी ले सकते थे क्योंकि उसका स्क्वायर करेंगे तो भी हमें प्लस की वैल्यू मिलेगी। देन हम 12 की दो बार मल्टीप्लाई करके 144 आ जाएगा, ये उधर प्लस में जाएगा तो इन दोनों को ऐड करके 324 आ जाएगा। जब ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा, 18 × 18 324 होता है, तो अतः संख्याएँ 12 और 18 अथवा -12 और -18 होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय।